हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल लाइक वी ट्रैवल। दिस इज योर फ्रेंड पार्थाना। आज की डेट है 27 नवंबर 2022 और अभी बजे है सुबह के 7:30। हम लोग अभी जिस जगह पे, मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हो, दैट इज थॉर लेक। थॉर बर्ड सेंचुरी है, अहमदाबाद से 27 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और हम लोग इधर सुबह आ गए थे 6:45 जैसे इधर पहुंच गए थे, क्योंकि 7 o'clock का सनराइज़ दिख रहा था। तो अभी आपने ऑलरेडी वीडियो में देखा होगा, वीडियो हाइलाइट्स में, कि जो सनराइज़ था उसका मैंने हाइपरलैप्स लिया और बहुत ही बढ़िया यहाँ से व्यू आ रहा था। सो ये जो थॉर बर्ड सेंचुरी है वो टोटल 7 square kilometers के एरिया में फैला हुआ है और 150 से ज़्यादा बर्ड्स की स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो पिछले 3-4 दिनों में 2 बारी मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि यहाँ पे अभी बर्ड्स आने लगे। जो बर्ड्स की स्पीसीज है वो विंटर के टाइम में इधर आती है, तो इसलिए सोचा कि चलो आज संडे है तो कुछ छोटा सा बाइक राइड करते हैं। और जस्ट 28 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद, सो मैं और मेरे फादर, हम दोनों इधर यहाँ पे आए हैं और अभी देखते हैं, थोड़ा और इधर अंदर वॉक करके एक्सप्लोर करते हैं और आगे मैं आपको इसके बारे में और कुछ चीज़ें बताऊँ। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये वॉच टावर्स है। ऐसे सराउंडिंग में, लेक के सराउंडिंग में कुछ वॉच टावर्स बनाए गए हैं, तो जिसके ऊपर आप आके एक अच्छा नज़ारा देख सकते हो। तो यहाँ से भी जो नज़र आ रहा है वो बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। अभी कुछ मंकीज भी दिखाई दे रहे हैं, पीछे लेक दिखाई दे रहा है और सनराइज़ हुआ है तो उसका जो शेडो आ रहा है पानी में वो भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। तो ये है, वैसे अभी मैंने जब एंटर किया तब देखा कि रामसर कन्वेंशन का बोर्ड लगा हुआ था। तो जो हम नल सरोवर गए थे, हमारा जो सेकंड वीडियो था यूट्यूब चैनल का, तो नल सरोवर भी रामसर कन्वेंशन के लिस्ट में है। इसी तरह से थॉर बर्ड सेंचुरी भी रामसर कन्वेंशन फॉर वेटलैंड जो है उसके लिस्ट में शामिल है। और इसको 1912 में बिल्ड करवाया गया हमारे जो गायकवाड़ महाराजा थे वडोदरा के, उनके द्वारा एज ए रिजर्वर इसको बिल्ड किया गया था। तो दिस इज एन आर्टिफिशियल लेक, ये नेचुरल लेक नहीं है। और यहाँ पे जब आप एंटर करोगे, सो मंडे से फ्राइडे के बीच में जो एंट्री टिकट रहेगा पर पर्सन इज़ 40 rupees चार्जेस और सैटरडे संडे को इज़ 50। पर अगर आप बाय कार आ रहे हो और अप टू 6 members, सो मंडे टू फ्राइडे इज़ 400 rupees एंड ऑन सैटरडे संडे इज़ 500 rupees। तो वो भी मैं वीडियो में शॉर्ट्स लिया, वो मैं डाल दे रहा हूँ। कैमरा के चार्जेस क्या है ये सारी चीज़ें आप अभी देख लो। तो बहुत ही बढ़िया एक लोकेशन पे पहुँचे हैं अभी। यहाँ से काफ़ी सारे बर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं, पीछे पूरे बर्ड्स का एक ग्रुप है। तो कैमरा में मैंने थोड़ा उसका वीडियो लिया है, कैप्चर किया है। अभी आप लोग देख पा रहे हो सामने काफ़ी सारे बर्ड्स हैं। तो अगर आप भी कभी इधर आने का प्लान कर रहे हो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो ज़रूर से आप इधर आइए और थोड़ा बहुत इस जगह को एक्सप्लोर करना, वॉक करके यहाँ वहाँ चले जाना। ये पूरा, जैसे मैंने पहले बताया, 7 square kilometers में फैला हुआ है। तो ऐसी ब्यूटीफुल सी जगह आपको मिलेगी जहाँ पे आप बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हो और बर्ड्स को भी अच्छी तरह से देख सकते हो। सो अभी और थोड़ा हम लोग अभी सोच रहे हैं, अभी हम एंटर होने के बाद लेफ्ट साइड पे आए हैं, अभी थोड़ा राइट साइड पे भी जाएंगे। वहाँ पे बाइक लेके जाना 1.5 kilometers तक अलाउड है। अभी जस्ट बाइक राइड करके पहुंचे यहाँ पे। ये जगह पे मैं पहले कभी नहीं आया। थॉर बर्ड सेंचुरी मैंने काफ़ी टाइम पहले भी विजिट किया हुआ है और काफ़ी सारी बार आ चुका हूँ, पर ये जगह पे मैं नहीं आया था। तो अभी जस्ट यहाँ पे आके बाइक पार्क किया। तो ये जो थॉर बर्ड सेंचुरी है काफ़ी क्लीन है, क्लीनलीनेस अच्छी तरह से मेनटेन की गई है। और जैसे मैंने बोला कि अभी फॉरेस्ट एरिया के अंडर ही आता है, तो अगर आप भी कभी इधर आने का प्लान कर रहे हो तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो, इंस्ट्रक्शन बोर्ड है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो अगर आप भी कभी इधर आ रहे हो तो इस बातों का ध्यान रखिएगा कि डोंट डिस्टर्ब दी बर्ड्स, आपके साथ कोई प्लास्टिक की चीज़ें लेके ना आए, और अगर लेके आए हो तो उसको यहाँ वहाँ ना फेंके, कोई ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन यहाँ पर ना हो, ये इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं डूज एंड डोंट्स, उसका ध्यान रखें। Thank you.
जब आप एंटर करोगे तो एक बात खास ध्यान रखना कि सिर्फ कुछ लोग क्या करते हैं, एंटर होते हैं फिर लेफ्ट साइड जाके थोड़ा बहुत घूम के निकल जाते हैं, पर अभी राइट साइड जैसे मैंने बताया वहाँ पे आए हैं, तो आप यहाँ पे ज़रूर से आना, आपका बाइक या कार लेके यहाँ तक आ सकते हो, आपको पार्किंग एरिया में उसको पार्क करना है, और यहाँ से थोड़ा वॉक करके अंदर जाओगे तो गार्डन डेवलप किया हुआ है, तो वहाँ पे अगर आपके साथ आपके चिल्ड्रन है तो उनको खेलने में बहुत मज़ा आएगा, तो गार्डन अच्छी तरह से डेवलप किया है और यहाँ से जो नज़ारा है वो काफ़ी बढ़िया है, बर्ड्स ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना। अभी इस तरह से इस वीडियो को एंड करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, और अगर आप इस चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।